पहले इतनी बेइज्जती की, फिर जॉन सीना का गाना गाया वाइसमैन पॉल हेमन ने। क्या हुआ एले नाइट वर्सेस जिमी उसो के मैच में कोडी रोड्स ने एक बार फिर ब्लड लाइन के मामले में टांग अड़ाकर रोमन रेंस को गुस्सा दिलाया है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। चीजें कुछ ऐसी हुई है जो जानने लायक तो है। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं ब्लड लाइन के सेगमेंट के साथ। सेगमेंट को स्टार्ट करते हुए वाइसमैन पॉल हेमन कहते हैं कि माय नेम इज पॉल हेमन वाइसमैन और स्पेशल काउंसिल होने के नाते आज मेरे पास सरप्राइज है, और ये है एक एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी। ये होगा उसके लिए, एक खास आदमी के लिए जिसने पिनफॉल से जीता क्राउन जूल में कई समवन स्पाइक के बाद। आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी ब्लड लाइन के बिहाफ पर विनर है सोलो सिकोवा। जितना चाहे उतना बू कर सकते हो, पर अब तुम चीयर करोगे क्योंकि सरप्राइज ये है कि आज लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं 16-time वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड जॉन सीना। लेकिन अफसोस जॉन सीना के फैंस के लिए, जॉन सीना तो स्मैकडाउन पर नहीं है, और इसका कारण है सोलो सिकोवा की स्पाइक। जॉन सीना कभी भी नहीं आएगा एक WWE रिंग में फिर कभी, और ये सब का कारण है सोलो। मैं वो बच्चा देख रहा हूँ फ्रंट रो पे। जॉन सीना के साथ क्या हो गया? जॉन सीना नहीं आएगा। जॉन सीना अब कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि अब वो बात ही नहीं कर सकता है, और इसका कारण है सोलो। आपके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बिहाफ पर जिमी उसो और सोलो सिकोवा के सामने मैं जॉन सीना को WWE से हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कहता हूँ। लेकिन आपको लग रहा है कि जॉन सीना यहाँ पर आएगा, वो ये करेगा वो करेगा, पैं, कुछ नहीं, नै, गाना बज रहा है और जॉन सीना यहाँ पर स्लाइड करके रिंग के अंदर और सब लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन अब तुम इस चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, और इसका कारण है सोलो। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो, कोई भी हमेशा के लिए नहीं निकलता है, पर जॉन सीना वापस भी आता है, सोलो सिकोवा ही उसका ओपोनेंट होगा, सोलो ही उसका टारगेट होगा, क्योंकि वो जॉन सीना नहीं होगा अगर वो सोलो को टारगेट ना करे तो। जिमी, जॉन सीना अपने लोगों को गुड बाय भी नहीं कर सकता है क्योंकि सोलो ने स्पाइक कर दिया उसके गले में। और हाँ, तुम उसे हॉलीवुड में भी नहीं देख पाओगे, तुम उसे देख ही नहीं पाओगे, यू कांट सी हिम, क्योंकि जॉन सीना यहाँ पर नहीं होगा, और उसका कारण है एले नाइट। तो सोलो का नाम लेने से पहले ही एले नाइट का म्यूजिक हिट होता है। अब एले नाइट कहते हैं कि चीजें हो सकती है, क्या चीजें हुई है, क्या रिजल्ट रहा है, और एक बात तुम नहीं कर रहे हो, रोमन रेंस कैसा है उस मैच के बाद। रोमन रेंस अभी तक चैंपियन है क्योंकि ब्लड लाइन है, और पूरी दुनिया भी जानती है कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पर अब एले नाइट आ गया है, तुम सबको एक एक करके खत्म करूंगा, पर आज जिमी उसो की बारी है, तेरी वजह से मैं रोमन रेंस को हराते हराते रह गया। गाइस, मैच के बारे में बात करने से पहले आप लोग ये देखो, रे मिस्टीरियो अब आप लोगों को टेलीविजन पर 1-2 महीने देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके नी में कुछ प्रॉब्लम थी, सर्जरी हुई और ये सर्जरी सक्सेसफुल रही। लिटरली गाइस, सैंटोस एस्कोबार ने आज जो कुछ भी रे मिस्टीरियो के बारे में कहा, वो तो उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी नहीं कहा होगा। सैंटोस कहते हैं कि कभी अपने हीरो से मत मिलना क्योंकि वो हमेशा निराश करते हैं, जैसे रे मिस्टीरियो ने मुझे निराश किया। डोमिनिक सही था, मैं चाहता हूँ रे मिस्टीरियो का लेग इन्फेक्टेड हो जाए और उसे काट दिया जाए ताकि वो WWE के रिंग में कभी ना आ सके। जेलिना बेगा सैंटोस एस्कोबार के इस बात से इतनी दुखी हो जाती है कि वो रिंग में आकर सैंटोस एस्कोबार को एक थप्पड़ तक मार देती है। जब सैंटोस एस्कोबार के फ्रेंड्स वाइल्स और डेल टोरो उन्हें समझाने के लिए आते हैं तो सैंटोस एस्कोबार उन्हें अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं और पीठ पीछे उन पे अटैक भी कर देते हैं। कार्लिटो गाइस उन्हें सेव करने के लिए आते हैं। इसके बाद सैंटोस एस्कोबार रिंग से भाग जाते हैं और इनका मैच सर्वाइवर सीरीज के लिए कंफर्म हो गया है। आज स्मैकडाउन में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी देखने को मिलता है। बॉबी लेस्ली के स्ट्रीट प्रॉफिट गाइस इस मैच को जीत जाते हैं और इनका मैच भी नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो गया है। लेकिन गाइस, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, इन्हें आप जानते होंगे ये बी फैब है और ये पहले हिटरो के साथ थी, लेकिन लग रहा है इनका चक्कर बॉबी लेस्ली के साथ चल रहा है और ये बहुत जल्द बॉबी लेस्ली की टीम को ज्वाइन करने वाली है। गाइस, बियांका ब्लेयर, शॉटसी और शार्लेट फ्लेयर काफी ज्यादा परेशान है, और इसलिए क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा आस्का ने डैमेज कंट्रोल को ज्वाइन कर लिया और अब ये फैक्शन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। फेस टीम को एक मेंबर की नीड थी जो कि डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल कर सके वॉर गेम्स में, तो गाइस वो सुपरस्टार द मैन बैकी लिंच है जिन्होंने फेस टीम को ज्वाइन किया। अब ना होगा सर्वाइवर सीरीज में वुमेन्स वॉर गेम्स। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारे स्मैकडाउन के मेन इवेंट मैच की जो कि एले नाइट वर्सेस जिमी उसो के बीच था। मैं कहूं तो गाइस, ये कंप्लीट मैच एले नाइट का था, वो पूरे मैच में हावी रहे हैं जिमी उसो के ऊपर, एंड में वो अपने BFT के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। तभी गाइस सोलो सिकोवा का म्यूजिक हिट होता है। एले नाइट सोलो सिकोवा की ओर देखते हैं, पीछे से जिमी उसो उन पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद सोलो सिकोवा एले नाइट को पकड़ उन्हें समवन स्पाइक मार गिरा देते हैं। जब जिमी और सोलो एले नाइट को कमेंट्री डेस्क पर लेटाकर मार रहे थे तभी गाइस म्यूजिक हिट होता है सबके रखवाले मसीहा कोडी रोड्स की। आते के साथ कोडी सोलो और जिमी
जिमी को फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से वो खुद को बचाते हुए यहाँ से भागते हैं। तो गाइज ये था आज का स्मैकडाउन। कोडी ने ब्लड लाइन के मामले में टांग अड़ाई है। रोमन के आने के बाद वो बात करेंगे एले नाइट और खास तौर पे कोडी रोड्स के बारे में। ओके गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।